हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और अस्तर है। हमें अस्तर 80 सेंटीमीटर लिया है, तो उसको इस तरीके से बिछा लेंगे और बन साइड से हम पहले फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो हम पहले आधा इंच नीचे से मार्जिन लेंगे, क्योंकि हम प्रिंसेस कट कर रहे हैं इसलिए हमें आधा इंच मार्जिन लेना है। अब हम लंबाई लेंगे, ब्लाउज की लंबाई 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे यानी 15। 15 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर हमारा 7 इंच है और आर्म होल की लंबाई भी 7 इंच है। चेस्ट हमारा है 40, उसका चौथा भाग होता है 10, तो हम 10 पर निशान लगा लेंगे। कमर हमारी 36 है, उसका आधा होता है 9 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे और उसको इस तरीके से मिला देंगे। अब हम 2 इंच मार्जिन का लेंगे, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं और उसको इस तरीके से मिला देंगे। अब हम यहाँ से आधा इंच ही लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, क्योंकि हम प्रिंसेस कट कर रहे हैं इसीलिए, और ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और शेप देंगे, देखिए इस तरीके से। अब गले की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 और गले की लंबाई हम लेंगे 4 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम 3.5 पे यहाँ से निशान लगाएंगे, 3.5 यहाँ से निशान लगाएंगे, ऊपर से टक्स का हम 10.5 पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से लकी सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे प्रिंसेस कट का शेप देंगे हम, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2 इंच सीधी लकीर करेंगे और उसको इस तरीके से शेप देंगे। देखिए आप, इस तरीके से शेप देना है और यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे डाउन करना है इस तरीके से, और उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने अस्तर को इस तरीके से रखना है, यहाँ से हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे हुकाई का, देखिए इस तरीके से। आप पीछे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम यहाँ से शोल्डर लेंगे 7 इंच और ब्लाउज की लंबाई लेंगे हम 15 और उसको इस तरीके से लकीर कर लेंगे। अब हम आर्म होल की लंबाई लेंगे, आर्म होल की लंबाई हमारी 7 इंच है। चेस्ट है हमारा 40, उसका चौथा भाग 10, कमर 36, उसका चौथा भाग 9 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। इस तरीके से सीधी लकी ड्रॉ कर लेंगे और 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे और उसे इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और शेप देंगे। देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे हमारा बैक पार्ट से, डिजाइन बना सकते हैं। आज हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। अब देखिए, ये हमारा सारा पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं, इसे हम ब्लाउज के कपड़े पे कट कर लेंगे। देखिए मैंने ब्लाउज के कपड़े पे कटिंग कर लिया है, तो आज मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो हमें इस तरीके से अस्तर को रखना है और उसे पूरा सिलाई से हमें इसे अटैच कर लेना है। देखिए इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा ब्लाउज का, उसे हम कट कर लेंगे। मैंने कट कर लिया है, अब हम उसको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और जो प्रिंसेस कट शेप दिया था उसे हम कट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम गला बनाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह कैनवास लिया है, गले की चौड़ाई हम 3.5 लेंगे, गले की लंबाई हम 4 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और उसे राउंड शेप दे देंगे, ये देखिए। अब हम पेपर लेंगे, पेपर पे हम इसकी लंबाई देखिए 3 इंच लेंगे, 3 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे बीच में, और यहाँ से 1.25 पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है।
अब हमें इसके ऊपर रखा है जो गला बना है कैनवास के ऊपर, इस तरीके से रख के ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ड्रॉ कर लिया है, यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें कट करना है, ये इस तरीके से डिज़ाइन को कट करते जाना है। जो हमने ड्रॉ किया था उसी तरीके से हमें पूरी डिज़ाइन को कट करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है, इसे हम कपड़े पर प्रेस की सहायता से चिपका लेंगे। देखिए मैंने चिपका लिया है, अब इसको जैसे कपड़े को फोल्ड कर कर इसके राउंड में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए राउंड में मैंने सिलाई कर ली है, अब हम इसे ब्लाउज पर रखेंगे इस तरीके से, अच्छे सेंटर में रखने का, और उसको पिन की सहायता से हम स्टिच कर लेंगे जिससे हमारा इधर उधर कपड़ा हिले नहीं। देखिए मैंने पिन लगा लिए, अब हम इस पर सिलाई करेंगे। तो जहां हमने कैनवास कटिंग किया था उसके बाजू में से ही हमें सिलाई करनी है। इसी तरीके से पूरे गले पर हमें सिलाई करनी है। ये देखिए मैंने पूरे गले पर सिलाई कर ली है, अब हम सिलाई से थोड़ा थोड़ा दूरी पर कपड़े को कटिंग कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो इसी तरीके से हमें कटिंग करना है, जहाँ हमने सिलाई करी उससे थोड़ा दूरी पे ही कटिंग करना है। अब हमने ये डिज़ाइन बनाई थी इसको भी कट कर लेंगे। देखिए मैंने गले में सब कटिंग कर लिया है, अब हम छोटे छोटे कट के निशान लगा लेंगे जिससे हमारी गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। ये देखिए मैंने कट के निशान लगा लिए हैं, अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए मैं पलट दिया, अब हम इसकी किनारी पे सिलाई कर लेंगे। पूरे गले पर हमें किनारी पे सिलाई करनी है, आप वीडियो में देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, उसी तरीके से।
देखिए मैंने पूरी किनारी पे सिलाई कर ली है। देखिए हमारा गला तैयार है। अब हम सुई धागा लेंगे और एक मोती लेंगे। इस तरीके से हम इसे मोती को लगा लेंगे। अच्छे से हमें मोती को अटैच करना है जिससे हमारी सिलाई टूटे ना। ये देखिए इस तरीके से हमें सब जगह लगाना है मोती। देखिए मैंने लगा लिया है, हमारा गला तैयार हो चुका है। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें दोनों पार्ट्स को पकड़ना है और उसे सिलाई करनी है। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी अटैच करना है। देखिए मैंने दोनों अटैच कर लिए हैं। अब हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे इसके ऊपर रख कर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब हम इसे पलट कर पट्टी पे किनारी पे सिलाई करेंगे। अब पट्टी को अंदर तरफ फोल्ड कर सीधी सिलाई चला लेंगे। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से पफ आया है। ये हमारा बैक पार्ट है जो मैंने पहले से तैयार करके रखा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से रखना है हमें और शोल्डर पर सिलाई कर लेंगे। शोल्डर पर हमें डबल सिलाई करनी है। ये देखिए मैंने शोल्डर सब जॉइंट कर लिए हैं दोनों साइड के। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखिए ये मेरी स्लीव्स की डिज़ाइन है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हम दोनों स्लीव्स को दोनों साइड जॉइंट कर लेंगे। मैंने जॉइंट कर लिए। देखिए हमारा फाइनल लुक ब्लाउज का। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।